तो रजिस्टर एपीआई के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक न्यू फाइल बना देंगे राउट में। सो राउट के अंदर आपको एक न्यू फाइल बनाना है और हम क्या करेंगे, यूजर नाम इसका रख लेंगे। सो यूजर राउट्स डॉट जेएस, और इसके अंदर पहले शुरू हमको क्या करना है, एक्सप्रेस को इम्पोर्ट करना है। सो इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, एक्सप्रेस को हमने यहाँ पर इम्पोर्ट कर दिया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर राउटर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो आपको क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू, फिर एक्सप्रेस की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर राउटर ऑब्जेक्ट को कॉल कर लेंगे जो कि हमको एक्सप्रेस के अंदर मिलता है। साथ ही में नीचे एक्सपोर्ट भी कर दें इसको। सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर, तो इसको हम कहीं से भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, राउट्स बना सकते हैं। राउट्स में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना एक पोस्ट राउट बनाएंगे क्योंकि हमको क्या करना है, यहाँ पर रजिस्टर कराना है यूजर को। सो आप लिखेंगे राउटर डॉट, फिर उसके बाद में पोस्ट मेथड, पोस्ट के अंदर सबसे पहले यूआरएल पैटर्न, और इसको हम कर लेंगे रजिस्टर। रजिस्टर के बाद में कॉल बैक फंक्शन, तो कॉल बैक फंक्शन डायरेक्टली लिखने से अच्छा हम क्या करेंगे, एक और न्यू फाइल बना देंगे जिसमें हम क्या करेंगे, यूजर से रिलेटेड सारे कंट्रोलर अलग से रखेंगे। सो इस कंट्रोलर फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल, इसका नाम हम रखेंगे यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, फंक्शन बना देंगे। साथ ही में इसको एक्सपोर्ट करते चले, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और इसका नाम हम रखेंगे रजिस्टर, क्योंकि हम इसमें क्या करने वाले, रजिस्टर ऑपरेशन देखेंगे, इसीलिए हमने इसका नाम रखा रजिस्टर कंट्रोलर। अभी नॉर्मल एम्प्टी एरो फंक्शन बना के छोड़ देता हूँ, सेव कर लेंगे इसको। हमने इसको एक्सपोर्ट किया हुआ है तो हम डायरेक्टली इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। कहाँ पे हमको यूज करना है, इस यूजर राउट के अंदर हमको यूज करना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे रजिस्टर कंट्रोलर, देखिए आपको सजेशन शो करेगा, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली फाइल इंपोर्ट हो जाएंगी। आपको सिंपली यहाँ पर डॉट जेएस लगाना है क्योंकि हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सिंटैक्स यूज कर रहे हैं, इसीलिए आपको जो है डॉट जे एस लगाना पड़ता है। ऑटो इम्पोर्ट में जो है डॉट जे एस नहीं आता है, इसीलिए आप जो है डॉट जे एस इसके बाद में जरूर लगाएं। सेव कर लेते हैं इस राउट वाली फाइल को। देखिए अभी कोई भी एरर अपने पास देखने नहीं मिलेगा, देख सकते हैं सक्सेसफुली ये रन है। थोड़ा सा स्क्रोल कर लेता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली ये कनेक्टेड है। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस कंट्रोलर में काम करेंगे, लेकिन उसके साथ में हमको एक और काम करना है, सर्वर डॉट जे एस की फाइल में भी इसको इम्पोर्ट करना है। तो आप क्या करें, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ थोड़ा। सर्वर डॉट जे एस की फाइल में देखिए हमने टेस्ट राउट लिखा था ना, तो इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर एपीआई v1 के बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश यूजर। तो हमारा एंड पॉइंट कैसा रहेगा, लोकल होस्ट पोर्ट 8080 स्लैश एपीआई स्लैश v1 स्लैश यूजर, और उसके बाद में हमारा सब राउट है रजिस्टर। तो इतना बड़ा हमारा एंड पॉइंट रहेगा, ये हम यूज करेंगे पोस्टमैन के अंदर, क्योंकि हम क्या करेंगे पहले पोस्टमैन में टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद में फिर हमारी रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन के साथ में इसको कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको बता दिया हमारा एंड पॉइंट कुछ इस तरीके से रहेगा। उसके बाद में आपको राउट की फाइल को भी बताना है, तो आप राउट की फाइल को यहाँ पर भी इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने ऊपर कमेंट बनाया था, क्या एक बार चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने कमेंट बनाया था ना, सो इस कमेंट को हम यहाँ से कट कर लेंगे और राउट्स के साथ में मैं ऐड कर देता हूँ ताकि हमको ज़्यादा इसमें क्लैरिटी मिले। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इम्पोर्ट कर देंगे, तो इम्पोर्ट, और इसका नाम हम रखेंगे यूजर राउट्स फ्रॉम, और फिर उसके बाद में आपको पाथ ऐड करना है, सो डॉट स्लैश, फिर राउट्स का फोल्डर, उसके अंदर हमारे पास है यूजर राउट्स डॉट जे एस की फाइल, और यहाँ पे आप टेस्ट राउट को कट करेंगे क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया, इसीलिए जो है टेस्ट राउट वो एज इट इज है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूजर राउट, सेव कर लेते हैं इसको। सेव जैसे करेंगे कोई भी एरर हमको अभी देखने नहीं मिलेगा, देख सकते हैं आप, इसको और नीचे स्क्रॉल कर देंगे, देखिए बराबर से कनेक्ट है, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 8080 और क्लाउड से भी ये कनेक्ट है। तो अभी फिलहाल के लिए कोई भी एरर नहीं है। अब हमको क्या करना है, कंट्रोलर फंक्शन में जाना है, और इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, एसिंक बना लेंगे क्योंकि ये कॉल बैक फंक्शन है, और इसमें हमको क्या करना है, दूसरे डेटाबेस से यानी MongoDB क्लाउड डेटाबेस से भी कनेक्ट होना है। तो हम यहाँ पर प्रॉमिस का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेटर है आप एसिंक अवेट सिंटैक्स का यूज करिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को रिसीव करेंगे क्योंकि ये कॉल बैक फंक्शन है, तो हमको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को इसमें रिसीव करना पड़ता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करेंगे ताकि अच्छे से हम एरर हैंडल भी कर पाए, और कैच के अंदर आप क्या करें, कंसोल डॉट लॉग कर लें एरर को, जो भी एरर है उसको एज इट इज प्रिंट करा दो। साथ ही में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स को इसके अंदर, रिटर्न रेस, या फिर डायरेक्टली भी आप रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स डायरेक्टली सेंड कर देता हूँ, रेस डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500 कर देते हैं इसको, और इसके बाद में सेंड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे फॉल्स, और उसके बाद में एरर मैसेज में ऐड कर देता हूँ मैसेज की प्रॉपर्टी के अंदर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एरर इन रजिस्टर एपीआई, कुछ इस तरीके से मैंने मैसेज ऐड किया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी एरर है उसको एज इट इज यहाँ पर पास करा देंगे।
अब ट्राई के अंदर हमको क्या करना है, यूजर से कुछ चीजें गेट करना है। कुछ चीजें का मतलब क्या है कि यूजर मॉडल में जो जो फील्ड आपको मैंडेटरी है, जैसे हमने जिसमें भी रिक्वायर की प्रॉपर्टी ऐड की है ना, तो ये सारी चीजें हमको मस्ट है कि यूजर हमको प्रोवाइड करें। तो जैसे कि नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, तो ये सारी चीजें हमको गेट करना है। तो यहाँ पे जो आपने स्पेलिंग लिखी है ना, तो सेम स्पेलिंग आपको यहाँ पर ऐड करना है, तभी ये वर्क करेगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, डिस्ट्रक्चर कर लेंगे प्रॉपर्टीज को। कहाँ से पहले शुरू, डिस्ट्रक्चर समथिंग कहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से क्या क्या चीजें हम गेट करेंगे। तो पहले शुरू चाहिए नेम, उसके बाद में ईमेल, फिर हमारे पास रहेगा पासवर्ड, उसके बाद में फिर एड्रेस, उसके बाद में सिटी, उसके बाद में फिर कंट्री, और यहाँ पर आई हो गया। सो मेक श्योर क्रॉस चेक करिए, यूजर मॉडल में जितनी भी फील्ड्स है ना, वो सारी चीजें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और सेम स्पेलिंग होना चाहिए तभी ये काम करेगा। सो आप वन बाय वन जो है क्रॉस चेक कर सकते हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस, सिटी, कंट्री, तो ये सारी चीजों का हमने गेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इनका वैलिडेशन भी परफॉर्म कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं कमेंट भी बना लेता हूँ, वैलिडेशन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ की कंडीशन ऐड कर देंगे, इफ नॉट नेम, अगर हमको नेम नहीं मिलता है। इसी तरीके से हमको क्या करना है, सभी को चेक करना है वन बाय वन, तो और की कंडीशन आप ऐड करिए, यानी पाइप का सिंबल आपको ऐड करना है, उसके बाद में नॉट ईमेल, अगर ईमेल नहीं मिलता है सेम उसी तरीके से और की कंडीशन, उसके बाद में नॉट पासवर्ड, तो ये सारी चीजें आप वन बाय वन ऐड करिए। मैं फटाक से ऐड कर देता हूँ सबको। तो ये सारी चीजें मैंने ऐड कर दी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न हो जाएंगे, इनमें से अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स होती है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर रिटर्न हो जाएंगे, और रिस्पॉन्स साथ में सेंड कर देंगे, रेस डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 400 या फिर 500 कर देता हूँ मैं, फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, और इसके अंदर हम क्या करेंगे सक्सेस फॉल्स कर देंगे। सो आप यहाँ पे लिखेंगे सक्सेस फॉल्स, उसके बाद में मैसेज ऐड कर देंगे यहाँ पे मैसेज, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लीज प्रोवाइड ऑल फील्ड्स, सेव कर लेते हैं इसको, और देख लेते हैं कोई एरर है कि अपने पास, अभी तो कोई भी एरर नहीं है, देख सकते हैं आप, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, फिर हमारा सर्वर रन है। अब ये हो गया नॉर्मल वैलिडेशन। इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर अगर ये सारी चीजें हमको मिलती है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको टेस्ट कर लेंगे, यानी यूजर को डायरेक्टली सेव भी करा सकते हैं। कैसे कराएंगे, सेव कराना तो बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे एक न्यू वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट यूजर के नाम से इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे अवेट करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर यूजर मॉडल को इम्पोर्ट करेंगे। अब जैसे मैं यूजर मॉडल लिखूंगा ना, तो सजेशन शो करेगा, अच्छा सजेशन शो नहीं कर रहा है, तो मैनुअल हमको ऊपर इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करें, इम्पोर्ट करें यूजर मॉडल फ्रॉम, और उसके बाद में डॉट डॉट स्लैश, उसके बाद में हमारे पास है मॉडल्स का फोल्डर, उसके बाद में हमारे पास है यूजर मॉडल डॉट जे एस की फाइल, तो यहाँ पर हम इसको इम्पोर्ट कर देंगे। और फिर इसकी मदद से हम क्या करेंगे, देखिए इसके अंदर हमको जो है क्रिएट का फंक्शन मिलता है, तो आपको क्या करना है इसको सिंपली कॉल करना है, और इस क्रिएट के अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पर सारे ऑब्जेक्ट्स को पास करा देंगे, यानी जो जो चीजें हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से गेट करने वाले हैं कॉपी करके हम क्या करेंगे एज इट इज यहाँ पर पास करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको, और आई थिंक हमने यूजर मॉडल एक्सपोर्ट किया हुआ है, नहीं किया होगा तो हमको एरर शो करेगा, सो डोंट वरी, हम चेक कर लेंगे इसको भी। अब देखिए यहाँ पर हमने क्रिएट फंक्शन में सारे ऑब्जेक्ट्स को पास करा दिया, उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं, रेस डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 201, मतलब कुछ तो भी क्रिएट हुआ है, और उसके बाद में फिर सेंड फंक्शन, सेंड के अंदर हम क्या करेंगे अगेन यहाँ पर सक्सेस कर देंगे इस केस में ट्रू, अगर सक्सेसफुली जो है यहाँ पर क्रिएट फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, ऊपर के वैलिडेशन परफॉर्म हो जाते हैं, तब हम क्या करेंगे सक्सेस को कर देंगे ट्रू, और साथ ही में मैसेज भी ऐड कर देंगे, जैसे कि रजिस्ट्रेशन सक्सेस, प्लीज लॉग इन, कुछ इस तरीके से हम मैसेज ऐड कर देंगे, और जो भी यूजर है उसको एज इट इज यहाँ पर मैं पास करा देता हूँ, सिर्फ टेस्ट पर्पज के लिए हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, उसके बाद में मैं इसको हाइड कर दूंगा। सेव कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए हमारा API एंड पॉइंट भी बन चुका है और कंट्रोलर फंक्शन भी बन चुका है। अब इसको टेस्ट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे पोस्टमैन टूल का इस्तेमाल करेंगे। पहले शुरू आप क्या करें, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली, पोस्टमैन टूल करके आप सर्च करिए, फर्स्ट रिजल्ट आपको मिल जाएगा, देखिए API टूल्स, इस पर आप क्लिक करिए और सिंपली आपको इसको डाउनलोड करना है। देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आता है, और यहाँ पर प्रोडक्ट्स पे जाएंगे तो देखिए यहाँ से आपको जो है डाउनलोड पोस्टमैन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आप इसको डाउनलोड करिए, और मेरे सिस्टम में ऑलरेडी ये इंस्टॉल है, आपके केस में नहीं होगा तो आप यहाँ से इसको इंस्टॉल करिए, मैं सिंपली आपको ओपन करके बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पोस्टमैन टूल को मैं ओपन कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम में देखिए थोड़ा सा इंटरफेस अलग देखने मिल सकता है, और मैं ये सारे टैब्स को क्लोज कर देता हूँ, ये प्रीवियस प्रोजेक्ट है, आई थिंक प्रीवियस हमने पोस्ट एप्लीकेशन देखा था ना उसका प्रोजेक्ट है ये, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको जो है इंटरफेस देखने मिल सकता है। देखिए यहाँ पर चेंजेस भी मिलेंगे क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा इसको कस्टमाइज किया हुआ है। अगर आप फ्रेश इंस्टॉल करेंगे ना तो थोड़ा सा आपको जो इंटरफेस अलग देखने मिल सकता है। डायरेक्ट आप इस प्लस बटन पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट टेस्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना रजिस्टर वाला ऑप्शन टेस्ट करेंगे। सो यहाँ पर मेथड हमारा रहेगा पोस्ट, उसके बाद में आपको यूआरएल ऐड करना है। जैसे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे http:// फिर लोकल पोस्ट, उसके बाद में फिर पोर्ट हमारा 8080 है, उसके बाद में /API/v1/user, उसके बाद में फिर रजिस्टर रहेगा। अब इसके बाद में आप बॉडी पर क्लिक करेंगे, फिर रॉ डेटा, उसके बाद में फिर यहाँ पर टेक्स्ट में से आपको जो जेसन सेलेक्ट करना है। और जेसन ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आपको डिफाइन करना पड़ता है और इसके अंदर आपको जो सभी रिक्वायर्ड फील्ड्स को ऐड करना है। तो कौन से रिक्वायर्ड फील्ड्स है अपने पास, जैसे कि हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है नेम, ईमेल, पासवर्ड, सिटी, तो सभी को जो है वन बाय वन मैं ऐड कर देता हूँ उसके अंदर। सो यहाँ पे आप लिखेंगे सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स, डबल कोट्स ये सपोर्ट करता है तो डबल कोट्स में आपको ऐड करना है। जैसे कि नेम में आप अपना नेम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास था ईमेल, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईमेल और ईमेल में @a.com कर देंगे इसको। उसके बाद में क्या करता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड ऐड कर देता हूँ, अभी विजिबल है, बाद में इसको हम हैश कर देंगे, सो डोंट वरी। और यहाँ पे आप पासवर्ड में कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और क्या कर सकते हैं हम इसमें सिटी नेम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सिटी में, और सिंगल कोट्स हो गया, वापस से कर लेते हैं इसको सिटी, और इसको कर देते हैं मुंबई। फिर एड्रेस भी है अपने पास, तो एड्रेस, एड्रेस में हम कर देंगे इसको समवेयर, और क्या था हमारे पास, कंट्री था ना, तो कंट्री, कंट्री कर देंगे इंडिया, और फोन भी था आई थिंक, है ना, फोन था ना, तो फोन भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फोन, फोन का टाइप स्ट्रिंग है तो फोन को नंबर भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं जो है इसको एज अ स्ट्रिंग अभी टाइप कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, कुछ इस तरीके से हमने ऐड कर दिया। और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो देखिए यहाँ पर हमने नेम को पास किया, जैसे कि मान लीजिए मैं कुछ फील्ड को जो है ना टेम्पररी कट कर देता हूँ, कंट्रोल एक्स। अब यहाँ पर यूआरएल को हिट कराऊंगा ना तो एरर शो करेंगे, अच्छा कुड नॉट, कनेक्शन रिफ्यूज आ रहा है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, एक बार चेक कर लेते हैं। चलते वापस टर्मिनल में और यहाँ पे देख लेंगे सर्वर हिट हो रहा है या नहीं। अच्छा देखिए यहाँ पर एरर है, यूजर मॉडल, अच्छा यूजर मॉडल हमने एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ है तो इसको हमको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, मैं भूल गया था, आई थिंक मैंने पूछा भी था। सो यूजर मॉडल का जो एरर आ रहा है ना तो हम क्या करेंगे, इसको यूजर के बदले जो है ना यूजर मॉडल कर देंगे इसको, यहाँ पर सेव, चेक कर लेते हैं एक बार, और इम्पोर्ट नहीं हो रहा है ना ये अभी भी, सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देंगे इसको। सो नीचे आप क्या करें, यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट भी कर दें, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और स्पेलिंग मिस्टेक ये है डिफॉल्ट, और इसको हम कर देंगे यूजर मॉडल। अब ठीक है तो एरर यहाँ से चला गया, एक बार टेस्ट कर लेंगे वापस से पोस्टमैन में। अब मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ और कॉमास को रिमूव कर लेते हैं लास्ट में। अब सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर सक्सेस फॉल्स और मैसेज बराबर से आ रहा है, प्लीज प्रोवाइड ऑल फील्ड्स। अब वापस से हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारी फील्ड्स को ऐड कर देंगे, जैसे कि सब कुछ मैंने ऐड कर दिया, देख सकते हैं आप यहाँ पर ये सक्सेसफुली ऐड हो गया। अब सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए अगेन एरर है अपने पास, और कहाँ पर है, फोन नंबर में वैलिडेशन एरर है, ठीक है फोन में, अच्छा स्पेलिंग चेक कर लेंगे एक बार, ये है फोन, इसका टाइप है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर फोन नंबर इज रिक्वायर, सो फोन की स्पेलिंग गलत है क्या, कंट्रोलर के अंदर एक बार देख लेंगे कहाँ पर है फोन, अच्छा फोन यहाँ पर ऐड ही नहीं है बॉडी के अंदर, सो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे फोन। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर वैलिडेशन में भी ऐड कर देता हूँ मैं नॉट फोन, और इस अवेट के अंदर भी हम क्या करेंगे, क्रिएट के अंदर फोन को पास करा देंगे सेव। चलते हैं वापस पोस्टमैन में, तो देखिए इस तरीके से वैलिडेशन भी काम करता है, तो परफेक्टली हमारा वैलिडेशन भी यहाँ पर टेस्ट हो रहा है। और इस साइड बार को जो है मिनिमाइज कर देता हूँ मैं, सो व्यू टॉगल साइड बार, सो इसको मिनिमाइज कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। इसको साइड बाय साइड भी कर सकते हैं हम, सो उसके लिए आपको क्या करना है, वापस आना है व्यू पे और टॉगल टू पेन व्यू, इस पर क्लिक करेंगे तो साइड में मैसेज हमको देखने मिलेगा। और इसकी थीम जो है ना डार्क है, तो सेटिंग में आके आप क्या कर सकते हैं, फर्दर इसको जो है ना चेक कर सकते हैं, सेटिंग पर क्लिक करिए, थीम्स में आइए, यहाँ पर से आप जो है थीम को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, वापस से सेंड पर क्लिक करेंगे तो देखिए सक्सेस ट्रू, और यहाँ पर हमको मैसेज मिल चुका है यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेस, प्लीज लॉग इन, और कौन सा यूजर क्रिएट हुआ है वो भी हमको रिजल्ट देखने मिल रहा है, टेक इन्फो YT, उसके बाद में फिर जो भी डिटेल्स आपने प्रोवाइड की होंगी तो वो यहाँ पर शो कर रही है। अब इसको हम क्या करेंगे, MongoDB डेटाबेस में भी चेक कर लेंगे। चलते वापस MongoDB डेटाबेस में, अभी कोई भी डेटाबेस नहीं है RN ई कॉमर्स के नाम से,
अब जैसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर एक न्यू डेटाबेस क्रिएट होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आर एन ई कॉमर्स के नाम से एक न्यू डेटाबेस क्रिएट हो गया, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करेंगे तो देखिए एक यूजर का इसके अंदर कलेक्शन है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट अपने पास क्रिएट हो चुका है। कौन सा डॉक्यूमेंट? अभी जो हमने यहाँ पर कहाँ पर पोस्टमैन के अंदर प्रोवाइड किया था ना, तो ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर परफेक्टली क्रिएट हो गया। तो ये क्लाउड डेटाबेस में कनेक्ट हुआ है, लेकिन हमने मोंगो डीबी डेटाबेस को जो है ना कॉम्पस की मदद से कनेक्ट किया हुआ है। तो बार बार हमको ऑनलाइन लॉग इन करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली आप जो है मोंगो डीबी कॉम्पस में अपने डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पासवर्ड को हैश कर देंगे, साथ ही में फर्दर हमको और वैलिडेशन परफॉर्म करना है। जैसे कि एक ईमेल से हमको एक ही यहाँ पर यूजर चाहिए, तो इसका भी एक वैलिडेशन हमको चाहिए। तो सबसे पहले हमको यूजर को गेट करना पड़ेगा। गेट करने के बाद ही हम क्या करेंगे, एक वैलिडेशन मैसेज परफॉर्म करेंगे। जैसे कि अभी मैं सेम यूजर से जो है ना यहाँ पर सेंड फंक्शन को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पर हमको एरर शो करेगा, देख सकते हैं आप, डुप्लीकेट एरर। तो एरर के अंदर अगर आप देखेंगे तो देखिए इसका कोड है 11000, जो कि डुप्लीकेट को रेफरेंस देता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, और कंसोल पे भी आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पर ये जो हमने मॉर्गन का पैकेज इंपोर्ट किया था ना, उसकी मदद से यहाँ पर बताता है। और ये देखिए यहाँ पर भी एरर है, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ मैं, तो परफेक्ट हमको एक मैसेज भी मिल जाता है, देखिए डुप्लीकेट की एरर इन कलेक्शन। फिर ये हमारे डेटाबेस का नाम है, फिर यूजर इंडेक्स, और कौन सा डुप्लीकेट है, ईमेल डुप्लीकेट हो रहा है, ईमेल के अंदर हमने यूनिक को ट्रू किया था। तो इसकी मदद से क्या हो रहा है, एक ईमेल से सिर्फ एक ही जो है यूजर लॉगिन हो सकता है। तो यहाँ पर परफेक्टली हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी बेसिक सेटअप है, हमको इसमें हैशिंग भी देखना है और पासवर्ड को फिर कंपेयर भी करना है, क्योंकि लॉगिन देखेंगे तो उसमें हमको कंपेयर भी करना पड़ता है। तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।